यहाँ पे आपको कॉपी करना है, कॉपी टू आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे हम जाएंगे यूएसबी ड्राइव में, यहाँ पे म्यूजिक में पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। और ये कॉपी हो रहे हैं यहाँ से, देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को एक इशू आ रहा है, मतलब अगर उनके पास फायरबोल्ट की विजनरी अल्ट्रा है, या फायरबोल्ट की विजनरी है, या उनके पास फायरबोल्ट की इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ल्यूक्स है, या फायरबोल्ट की कोई सी भी वॉचेस में इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, हर एक वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जब आप फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे शो नहीं करता है आपका जो यूएसबी ड्राइव है बेसिकली, ठीक है। रिमूवेबल ड्राइव आपका शो नहीं करता है, तो कैसे वो शो करेगा, क्योंकि इसमें चार पेंस तो मिल जाती हैं बट शो क्यों नहीं कर रहा है, क्या इशू है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर आ गए इस तरीके की इशू रिजॉल्विंग वीडियो देखना चाहते हो और, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइज मैंने बहुत सारे लोगों की क्वेरी देखी, तभी मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी के सामने, ठीक है। तो कैसे वो इशू को रिजॉल्व करना है वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा। यह है मेरे पास फायरबोल्ट की विजनरी, ठीक है, इस तरीके से मिलती है, और विजनरी अल्ट्रा के लिए भी ये लागू है ये वाली वीडियो, और विजनरी प्रो के लिए भी लागू है, और इवन आपकी विजनरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए तो है ही, इन्फिनिटी ल्यूक्स और इन्फिनिटी के लिए भी ये यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहले आपको, देखो आपको सबसे पहले एक ये खरीद लेना है, अगर आपके पास है मल्टीपल मेरे पास कार्ड रीडर है तो आप नॉर्मल वाला भी खरीद सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी 150-200 रुपये का आता है ऑन अमेजोन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से आके आपको बाय करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और इवन आप यहाँ से फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और माइक्रो यूएसबी अलग मिल जाता है, ये फोल्ड होकर माइक्रो यूएसबी बन जाता है, ठीक है, तो ये भी है इसमें। तो एक और चीज़, ये अभी मैं सिर्फ फ़ोन के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, फ़ोन से कैसे आपको गाने ट्रांसफ़र करने हैं वॉच में, आपके पिक्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इमेजेस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ सॉन्ग ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, जिसमें इंटरनल मेमोरी होती है, वो ध्यान रखना, ठीक है आप सब। तो कैसे इसमें ट्रांसफ़र करना है तो मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए लैपटॉप डेस्कटॉप से कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ले आऊँगा, ठीक है वीडियो। बट फिलहाल हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, फ़ोन से कैसे इसको करना है, तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मतलब इसमें सिर्फ चार्जिंग शो करता है बस, दैट्स इट, तो वो भी हम चेक कर लेंगे, क्या चार्जिंग ही शो करता है या कुछ USB वाला ऑप्शन आता है। तो इसमें मैं लगा लेता हूँ इसको, ठीक है, लग गया ये। अब इसको मेरा जैसे कि टाइप सी है पोर्ट, इसमें जो फ़ोन में मेरा पोर्ट है वो इसमें टाइप सी है, ठीक है। अब आपके में माइक्रो USB भी हो सकता है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो जो आपको लिंक दूंगा उसमें जो आपको मिलेगा ये OTG कन्वर्टर, वो आपको माइक्रो USB के लिए भी मिल जाएगा और इवन आपका टाइप सी वाले के लिए भी मिल जाएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं, तो यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, अगर आपका नहीं आता ऊपर, यहाँ पे देखो मेरा अभी नहीं आया, यहाँ पे रिमूवेबल ड्राइव करके नहीं आया, तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे चेक करना है चार्जिंग हो रहा है, फिर निकाल देना आपको, ठीक है, फिर दोबारा इसको अटैच करना है, तो दोबारा आपका चार्जिंग ही हो रहा है, तो आपको थोड़ा ट्राई करते रहना है बार बार। यहाँ पे फिर से निकालते हैं, अब यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे चलने के बाद यहाँ पे सिस्टम में एक बार इसको रिस्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी चार्ज ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपका ऐसा हो रहा है तो रिस्टार्ट होने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरा तो भाई चार्जिंग ही दिखा रहा है, ठीक है अभी फिलहाल। तो हमको क्या करना है, इसको निकाल लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा इसको लगाना है, एक बार ट्राई करना है, चार्जिंग ही शो कर रहा है। कुछ टाइम बाद, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये देखो आ चुका है, अवेलेबल फॉर मूविंग इमेजेस एंड अदर मीडिया। तो यहाँ पे हम टैप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फाइल्स पे यहाँ पे जस्ट वंस कर देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको म्यूज़िक पे देखना है, यहाँ पे म्यूज़िक में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे म्यूज़िक से हमको यहाँ पे सॉन्ग को डालना है, मतलब म्यूज़िक वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे जाएंगे हम फाइल मैनेजर पे, तो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो, सो गाइस सपोज मेरे को यहाँ से कुछ सॉन्ग्स को डालना है, NCS में मैं जाऊँगा, यहाँ पे कुछ मैं सॉन्ग्स कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर आपकी वॉच नहीं आ रही है तो 2-3 बार आपको लगा के देखना है, देन ओनली आएगी, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं शो करेगी इसमें, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, सॉन्ग नहीं जा रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चले जाएंगे सॉन्ग, यहाँ पे आपको कॉपी करना है, कॉपी टू आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे हम जाएंगे यूएसबी ड्राइव में, यहाँ पे म्यूज़िक में पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। और ये कॉपी हो रहे हैं यहाँ से, देख सकते हो। तो गाइज़ इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके। वही है कि बार बार आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है, लगाना है फिर निकालना है, लगाना है निकालना है, इस तरीके से ही करना पड़ेगा, तो ये रहता है, ठीक है। तो ये कॉपी हो चुकी है, हमको इजेक्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, इजेक्ट हो चुकी है, अब आपको इसको आसानी से निकाल देना है, दैट्स इट। अब आपकी वॉच में सॉन्ग आ जाएंगे, ठीक है,
होपफुली 90% है चांसेस आ जाएंगे, 10% चांसेस है कि नहीं आएंगे, वो भी है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों। यहाँ पे सपोज हम चलते हैं, वैसे डायरेक्टली आ जाना चाहिए, वैसे नहीं आएंगे तो आपको रिस्टार्ट कर लेना है फ़ोन को, ठीक है। यहाँ पे नो सॉन्ग्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक है, लोकल म्यूजिक पे ही हैं हम, और यहाँ पे आ गए। देखो जनरली आ जाते हैं, वैसे थोड़ा टाइम लेता है, बट यहाँ पे सारे के सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके देखने को मिल जाते हैं। डिलीट कैसे करना है आपको, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, मैं आपको दिखाया था एक बार डिलीट करने का प्रोसेस। सारे सॉन्ग आ चुके हैं और प्ले भी हो रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। इस तरीके से आपके सॉन्ग इसमें प्ले हो रहे हैं, और वॉल्यूम वॉल्यूम भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, और इवन बर्ड्स से भी आप यहाँ से पेयर कर सकते हो। ब्लूटूथ पे जाओगे तो यहाँ पे आप बर्ड्स भी पेयर कर पाओगे, इधर की साइड से सर्च करने लगता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज़ है कि मतलब आपको यहाँ पे मोड चेंज करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे लोकल म्यूजिक पे जाओगे तब आपका ये वॉच में एज MP3 प्लेयर काम करेगा, आपकी कॉलिंग बंद हो जाएगी इसमें, ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे इस पे जाना है फ़ोन मोड पे, तब आपका कॉलिंग कनेक्ट रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकल म्यूजिक पे करते हैं यहाँ पे, अब देखो लोकल म्यूजिक बजेगा। तो गाइज इसी तरीके से आप वापस भी मतलब सॉन्ग को डिलीट कर सकते हो, वही मतलब प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपको वहाँ से फ़ोन पे जाके या तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, या तो आप, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर फॉर्मेट ना करें, अंदर से अगर डिलीट करें म्यूजिक वाले फोल्डर में ही डालना आपको सॉन्ग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप।